Good morning, students, and welcome back in your maths online class. So students, in the previous class I have sent you the PDF of the exercise 1.2 question 1 to question 4. Now I am going to explain these questions. So question 1 is, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. It means you have to find out the total of the tickets. So first of all, in word problem questions we have to write down statements. So students, जो statements है वो आपको जो question की language है उसी में से copy paste करना है. Just आप question को 2-3 बार रीड आउट करेंगे तो आपको स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली लिखना आ जाएगा. इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सो द फर्स्ट लाइन इज, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल्स टू 1094. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे इज इक्वल्स टू 1812. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे इज इक्वल्स टू 2050. एंड नंबर ऑफ टिकट्स ऑन टिकट सोल्ड ऑन द फोर्थ डे इज 2751. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन चारों नंबर्स को ऐड करना है. तो देख लेते हैं इसका आंसर. यू हैव टू ऐड दीज नंबर, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 प्लस 10 20 कैरी ओवर 2, 2 प्लस 8 10 प्लस 7 17 कैरी ओवर 1, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. Hence the correct answer is 7707. Okay. Now see the next question. Question number 2. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? Shekhar jo hai, uski ye wish hai ki wo 10,000 runs complete kare टेस्ट मैचेस में. अभी तक उसने 6980 रन्स बना लिए हैं. तो अब उसको अपनी विश कंप्लीट करने, मींस 10,000 रन्स तक पहुंचने में और कितने रन्स बनाने बाकी हैं हमें ये बताना है. सो शेखर स्कोर्ड, उसके जितना अभी तक स्कोर किया है पहले वो लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा ही वॉन्ट्स टू कम्प्लीट या और हिज विश 10,000 रन्स ही नीड्स टू स्कोर मोर. अब उसको 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए और कितने रन्स बनाने होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस 6,980 माइनस करेंगे तब आपका आंसर आएगा 3,020. हैंस ही नीड्स 3,020 मोर रन्स टू स्कोर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड दीज वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड दीज वोट्स. By what margin did the successful candidate win the election? Means election था, उसमें दो candidates थे. जो successful हो गया उसने 5,77,500 votes मिले थे उसको, और जो उसका rival था मतलब जो party हार गई थी उसके जो votes थे वो थे 3,48,700 votes. तो question में ये पूछा गया है कि जो party जीत गई है या जो candidate जीत गया है उसको कितने ज़्यादा या उसने कितने ज़्यादा वोट से ये जो है इलेक्शन जीता है. तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज़ दिस, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज राइवल इज दिस, मार्जिन बाय विच ही वन द इलेक्शन. इलेक्शन जीतने के लिए उसका क्या मार्जिन रहा या वो कितने ज़्यादा वोटों से जीता, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे. सक्सेसफुल वाले में से हम राइवल वाले के वोट्स माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये. हैंस द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वन द इलेक्शन बाय 2,28,800 वोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज दिस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ रुपीज दिस इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? That means कीर्ति बुक स्टोर जो हैं उन्होंने जून के फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में इतने रुपए की बुक्स सेल कर दी. गया है कि by how much
वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर. दोनों वीक की अगर हम सेल को मिला ले तो कितना अमाउंट हो जाएगा, और इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और कौन से वीक में सेल ज़्यादा थी और कितनी ज़्यादा थी. सो प्राइज ऑफ द बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, सोल्ड इन सेकेंड वीक. फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के नंबर यहाँ लिख दिए. अब जब टुगेदर वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे दोनों वीक का, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एडिशन कर देंगे दोनों का. जब हम फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के अमाउंट को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6,86,659. द सेल ऑफ बुक्स इज़ द हाईएस्ट इन द सेकेंड वीक. ये तो आप यहाँ नंबर देख के ही वेरीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वीक में 2 लाख से ऊपर है और सेकेंड वीक में 4 लाख से ऊपर है. तो कौन से वीक में ज़्यादा हुई अर्निंग, सेकेंड वीक में. सो यहाँ पे डिफरेंस इन द सेल इन बोथ द वीक्स, दोनों वीक में डिफरेंस कितना रहा. डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन. तो हम सेकेंड वीक की जो अर्निंग है उसमें से फर्स्ट वीक की अर्निंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 1,14,877. हैंस सेल इन द सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर बाय 1,14,877 देन. द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5-digit नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स दिस एंड दिस ईच ओनली वंस. मीन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो आपको नंबर्स गिवन है ना, 5 numbers, इनका यूज़ करके आपको 5-digit का ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बनाना है. जैसे किसी भी नंबर, कोई भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उसका ग्रेटेस्ट कैसे बनता है, देखिए. इसका ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जब भी ग्रेटेस्ट नंबर हम बना रहे हैं, सबसे पहले इनमें से जो भी ग्रेटर नंबर है उनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना शुरू करेंगे. जैसे इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो पहले आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, 3 एंड 2. दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर कैसे आता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर. ये देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर. और लीस्ट नंबर कैसे आएगा, जब हम इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. तो यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 7, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इन नंबर्स का. आ गए ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर्स हमारे पास आ गए. नाउ डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज, दोनों ही नंबर्स का डिफरेंस अगर हम करें तो हमारा आंसर आएगा 52,965. ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज दिस. हमें यही क्वेश्चन पूछा था कि इससे ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बना के उनके बीच का डिफरेंस बताओ, तो हमने ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बना करके उनका डिफरेंस बता दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56. यानी एक स्टूडेंट था, उसने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, जबकि उसका क्वेश्चन था कि उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था. बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन दी करेक्ट आंसर. अब जैसे आप यहाँ देख के ही बता सकते हैं, हम 7,236 को पहले 56 से मल्टीप्लाई करने वाले थे, लेकिन गलती से ज़्यादा नंबर लेके हमने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली आंसर ज़्यादा आएगा. सो अब इसका सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द 65 एंड 56. ये यहाँ पे मेंशन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन के बाद, और उसमें आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे. यानी पहले इस 65 से मल्टीप्लाई करो 7,000 का, और फिर 56 से करो, फिर उन दोनों का जो आंसर आए उनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर पता चल जाएगा. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो ज़्यादा इजी है. सो वो मेथड ये है, डिफरेंस बिटवीन द 65 एंड 56. हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर जो लिखे हुए हैं इनका डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस इज 9. द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर. अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्ट 9 का मल्टीप्लाई 7,236 से कर देंगे, जिससे जो आंसर आएगा वही डिफरेंस होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई का. मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आया 65,124. हैंस बाय 65,124 द आंसर वॉज ग्रेटर देन द कट. 2 meter 15 centimeter क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 meter क्लोथ. हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मैनी क्लोथ विल बी रिमेन. यानी
स्टिचिंग एक शर्ट के स्टिचिंग के लिए जो शर्ट की स्टिचिंग करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ की नीड है, ठीक है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, यानी कि एक शर्ट बनाने में हमें इतना क्लोथ लग रहा है तो ऐसे हमारे पास अगर 40 मीटर का लंबा क्लोथ हो तो हम उससे कितनी शर्ट्स बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके पास आएगी वो ये कि यहाँ पे जो शर्ट का मेज़रमेंट है वो मीटर एंड सेंटीमीटर में है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। या तो आप इन दोनों नंबर को मीटर में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तब ये इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ इज 40 मीटर, ये तो गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं, मीटर को किस में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, यानी 40 मल्टीप्लाई 100, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, दैट्स वाई 40 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर। यानी जब अभी हम बोले थे ना 40 मीटर क्लोथ है, अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 4000 सेंटीमीटर क्लोथ है। ओके, क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट, एक शर्ट को बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब अगेन यहाँ मीटर है, इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। 2 मल्टीप्लाई बाय 100, मीटर टू सेंटीमीटर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, 200 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर। नंबर्स ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिच आउट ऑफ द 4000 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स टोटल क्लोथ पड़ा है 4000 सेंटीमीटर, एक शर्ट बना है 215 सेंटीमीटर में, तो इन दोनों अब हमें ये बताना है कि इसी 4000 सेंटीमीटर क्लोथ से कितने शर्ट बन जाएंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, 4000 डिवाइड बाय 215, या मैं आपको डिवीजन करके दिखा देती हूँ। 4000 डिवाइड बाय 215, पहले वन टाइम डिवाइड होगा यहाँ पे, 215 यहाँ पे आ गया, 5810, और जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3, 1। सो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट जो है वो है 130, यानी ये 130 सेंटीमीटर है, इसको हम बोल सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स 18 शर्ट तो इसमें से बन जाएंगे, पीछे आपका कपड़ा बचेगा वो होगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। हैंस 18 शर्ट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 40 मीटर एंड 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज लेफ्ट आउट। नाउ नेक्स्ट, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। यानी मेडिसिन के जो पैकेट्स हैं, हर एक पैकेट 4 किलोग्राम 500 ग्राम का है, और एक वैन है जिस जो 800 किलोग्राम से ज़्यादा का वेट कैरी नहीं कर सकती है, तो उस वैन के अंदर इस वेट के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है उससे, वेट ऑफ वन बॉक्स इज 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब स्टूडेंट्स किलोग्राम को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो 4 किलोग्राम हो जाएगा 4000 ग्राम, 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल्स टू 4500 ग्राम्स। मैक्सिमम वेट कैरीड बाय द वैन इज 800 किलोग्राम, पैकेट के अंदर या बॉक्स के अंदर ये वेट आ सकता है, और जो वैन है उसके अंदर उसकी जो कैरी करने की जो पावर है वो है 800 किलोग्राम। किलोग्राम को फिर से ग्राम में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड, सो 800 मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड इज 800,000 ग्राम। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि उस वैन के अंदर कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, वो कैसे बताएंगे, टोटल जो अमाउंट है उसमें से एक बॉक्स के अमाउंट का डिवीजन करके। हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वैन इज 800,000 डिवाइडेड बाय 4500 विच इज़ इक्वल्स टू 177 बॉक्सेस। सो स्टूडेंट्स इनमें से जो आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ करवा दिए हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ मैंने अभी तक नहीं करवाए हैं वो आपको प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं। एक मैथ्स की एक अलग सेपरेट नोटबुक बनानी है आपको,
आप उस रफ नोटबुक ले सकते हैं, कोई न्यू नोटबुक या पुरानी जो आपके पास पड़ी हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर हेडिंग लिखना प्रैक्टिस नोटबुक। जब भी आपको होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उस प्रैक्टिस नोटबुक में ही उसको करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ सॉल्व करवाए हैं ये आप कहाँ करेंगे, मैथ्स की पेन नोटबुक में। थैंक यू।